हॉरर कहानियां टीवी। काला जादू। अपने बेटे ऋषु के माथे से टपकते हुए पसीने को देखकर सविता की हालत खराब हो गई। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ जब ऋषु नींद से घबरा कर जागा है। हाय मेरा बच्चा, न जाने किसकी नजर लग गई है तुझे। जब से मेरे बच्चे ने 10वीं के एग्जाम में स्कूल टॉप किया है, तब से रोज उस बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। हाँ माँ, मैंने आज फिर से एक काले साये को देखा। वो यहीं मेरी आंखों के सामने खड़ा था। माँ माँ, मुझे बचा लो माँ। वो मुझसे कह रहा था कि मुझसे बदला लेगा। माँ माँ, कहीं ये प्रशांत। चुप कर, कैसी बात कर रहा है? दोबारा उसका नाम मत लेना। तुझे पता है ना, उस प्रशांत ने आत्महत्या कर ली, तो बार बार उसका नाम मत लिया कर। मम्मी, क्या सच में प्रशांत ने आत्महत्या की थी? चुप कर, बहुत सवाल पूछता है आजकल। और फिर रात के वक्त सविता के पूरे घर में एक अजीब सा काला धुआं छाने लगा। गहरी नींद में सोई सविता की जैसे ही आंख खुली, उसका दम घुटने लगा। वो दौड़कर ऋषु के रूम की तरफ गई, जहां उसके दरवाजे पर घूमती एक काली परछाई देख वो बुरी तरह से घबरा गई। कौन है वहां? कौन है? सामने आओ। ये मैं हूं, तुम्हारी काली करतूत। और अब मैं तुम्हारे बेटे को ले जाने आया हूँ। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मेरे ऋषु को कुछ मत करना। वो परछाई ऋषु के कमरे में घुस जाती है। सविता भी उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाती है और देखती है कि अब वो साया साफ नजर आ रहा था। वो सर से पैर तक खून में सना हुआ था और उसके शरीर के सारे अंग कटे फटे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरे ऋषु को छोड़ दो। उस परछाई ने ऋषु को गर्दन से पकड़कर दीवार के सहारे हवा में उछाल दिया। ऋषु जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ माँ बचाओ मुझे, बचा लो माँ, माँ ये मुझे मार डालेगा, माँ मुझे बचा लो माँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो परछाई ऋषु को जमीन पर गिरा देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। ऋषु, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कुछ बोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? मैं ठीक हूँ माँ। क्या क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा। कुछ नहीं, तू परेशान मत हो। हम कल ही गांव के बाहर जो तांत्रिक महाराज रहते हैं, उनके पास चलेंगे। ठीक है माँ, हम जल्द ही उनके पास चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ये बार बार मुझे डरावने सपने आना, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है माँ? अगले दिन सविता अपने बेटे ऋषु को लेकर गांव के बाहर तांत्रिक के पास जाती है। जिस जगह पर तांत्रिक रहा करता था, वो जगह बहुत डरावनी थी। चारों तरफ कंकाल और खूब भूतिया नजर आ रही थी। गांव से दूर वीराने में उस जगह पर जोर से आंधी चल रही थी। ऋषु ने डर कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी जगह है? देख बेटा, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये तांत्रिक महाराज ही बता सकते हैं। अब यही है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही सविता और ऋषु तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देख कर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तांत्रिक की झोपड़ी के अंदर कई सारे लोग अपनी गर्दन घुमा घुमा कर जोर जोर से चीख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरे बेटे को कुछ दिनों से एक डरावनी काली परछाई नजर आती है, और कल रात उसने मेरे बेटे पर हमला भी कर दिया। मम्मी मम्मी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। रुक जाओ, दो मिनट के लिए रुक जाओ। क्या कहा?
काली परछाई, तुम्हारे बेटे पर किसी काली परछाई ने हमला किया? हाँ महाराज, वो कह रही थी कि वो मेरे बेटे को कुछ कर देगी। कोई उपाय बताइए महाराज, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुमने किसी दूसरे के साथ गलत किया है तो तुम्हारे साथ भी गलत होकर ही रहेगा। तुमने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है तुमने। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं ली। मुझे कोई उपाय बताइए। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। मैं तुम्हें अभी उस काली परछाई से मिलवा देता हूँ और वही सारा सच तुम्हारे सामने लेकर आएगा। सविता और ऋषु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक तांत्रिक की झोपड़ी में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। सविता और ऋषु बुरी तरह से कांप रहे थे। आंखें खोलो और अपने सामने देखो, क्या यही है वो जिससे तुम कल रात को मिली थी? बताओ मुझे। हाँ, इसने कल रात मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था। ये उसी लड़के की भटकती हुई आत्मा है जिसे कुछ दिन पहले तुमने मार डाला था। मम्मी, मम्मी, ये महाराज क्या कह रहे हैं? क्या सच में आपने किसी की जान ली है, किसी को मार डाला है? अगर हाँ तो बताइए ना मम्मी, किसको मारा है आपने, किसको? तुम्हारी माँ इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी बेटा। इसने एक बच्चे की जान ली है। कहीं उसका नाम प्रशांत तो नहीं महाराज? वो मेरा दोस्त है, मेरा मतलब मेरा पड़ोसी है। सही पहचाना। देखा सविता, तुम्हारा खुद का बेटा भी जानता है कि तुमने किसी के प्राणों की बलि चढ़ा दी और इसीलिए अब उसकी बुरी आत्मा तुम्हारे घर में भटकती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रशांत हमारे पड़ोसी का बेटा था, हर बार उसके नंबर मेरे बेटे से ज्यादा आते थे और इसलिए मैंने उसके कम। कमरे के बाहर काला जादू किया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। तुम्हारे उसी काले जादू वाली गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा थी जिसने उस बच्चे के दिमाग पर बुरा असर कर दिया और उसी की वजह से उस लड़के ने अपनी बालकनी से कूद कर आत्महत्या कर ली। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं नहीं महाराज, जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता था कि प्रशांत अपनी जान दे देगा। प्रशांत की आत्मा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, हमसे बात करना चाहती है। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जीना चाहता था, बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। आपके बेटे से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, अरे वो तो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ करने से मुझे वापस जिंदगी नहीं मिल जाएगी। मेरे माँ बाप आज भी मेरे लिए रोते हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और तभी अचानक प्रशांत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। सविता जोर जोर से रोने लगती है। सुन लिया तुमने, ये तुम्हारे अपने ही किए हुए पाप हैं जो इस तरह से तुम्हारे सामने आ रहे हैं। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। सिर्फ 10th बोर्ड के एग्जाम में मैं टॉप कर पाऊं इसलिए आपने मेरे दोस्त के ऊपर काला जादू कर दिया। नहीं मम्मी नहीं, अब हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। मेरे दोस्त की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी मम्मी, कभी नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो लड़का हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता था और इस वजह से हमेशा तुम्हारे मार्क्स कम पड़ते थे। मैंने तो सिर्फ उस पर एक छोटा सा काला जादू किया था बेटा, मुझे क्या पता था कि उसका ये नतीजा निकलेगा। जिस गुड़िया को तुमने उस लड़के के कमरे के दरवाजे पर लगाया था, दरअसल उसके अंदर एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया था, जैसा कि अक्सर काला जादू करते समय हो जाता है। मुझे
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। प्रशांत के घर जाकर उस काली गुड़िया को वहां से निकालकर यहां लेकर आओ, मैं उसे आग में जलाकर राख कर दूंगा और उसके बाद प्रशांत की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगली रात सविता चुपचाप अपने पड़ोसी प्रशांत के घर जाती है। प्रशांत के माँ बाप प्रशांत की मौत के बाद उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए थे। जैसे ही सविता उस घर के अंदर कदम रखती है, उसका सामना अजीबोगरीब हैवानियत से भरी आवाजों से होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा हो। सविता जैसे ही प्रशांत के कमरे के बाहर पहुंचती है, वहां पर लटकी हुई गुड़िया के शरीर से खून टपकने लगता है। ये क्या हो रहा है? इस गुड़िया के शरीर से खून क्यों टपक रहा है? सविता हिम्मत करते हुए उस गुड़िया को वहां से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत भयानक दिखने वाली औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मार डालूंगी मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरा बेटा, उसकी जान को खतरा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे इस घर से बाहर ले जाकर दिखाओ। और ऐसा कहकर वो औरत सविता के ऊपर हमला कर देती है और उसे हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकती है। लेकिन तभी अचानक मौका देखकर सविता अपने हाथ में ली हुई सुई उसके हाथ में चुभो देती है। हाथ में सुई लगते ही वो औरत जमीन पर तड़पने लगती। ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तांत्रिक ने मुझे कहा था कि तुझसे जीतने का सिर्फ यही एक तरीका है, जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ और अपने बेटे की जान बचा सकती हूँ। और उसके बाद वो डरावनी दिखने वाली औरत एक छोटी सी जादुई गुड़िया में तब्दील हो गई और सविता ने उसे ले जाकर तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने जादुई गुड़िया को आग के हवाले कर दिया।